पुदुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाई। विश्वास मत हारने के बाद वहां की नारायण सामी सरकार गिर गई। वी नारायण सामी ने कहा है कि उन्होंने उनके मंत्रियों और कांग्रेस डीएमके तथा निर्दलीय विधायकों ने उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। इस्तीफा देने के बाद नारायण सामी ने स्पीकर के फैसले को गलत बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके ने तीन मनोनीत सदस्यों को वोटिंग करने देकर हमारी सरकार गिरा दी। ये लोकतंत्र की हत्या है। पुदुचेरी और इस देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कांग्रेस डीएमके गठबंधन सरकार के कई विधायकों के इस्तीफे के बाद सदन में उनका संख्या बल 11 रह गया था, जबकि विपक्ष के पास 14 विधायक थे। एक दिन का विशेष सत्र शुरू होने के कुछ मिनटों बाद वी नारायण सामी ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव को मतदान के लिए रखे जाने से पहले ही वो और उनके सत्ताधारी पक्ष के विधायक वॉकआउट कर गए। इसके बाद स्पीकर पी शिव कोलंधु ने घोषणा की कि वो विश्वास मत हार गए हैं। इसके बाद नारायण सामी राजभवन के लिए निकल गए। मतदान से पहले बोलते हुए पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने आरोप लगाया था कि पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ साठ गांठ करके सरकार को गिराने की कोशिश की। हमारे विधायक एकजुट रहे तो हम बीते 5 साल निकालने में सफल रहे। हमने केंद्र सरकार से फंड की अपील की, लेकिन वो नहीं देकर केंद्र ने पुदुचेरी के लोगों को धोखा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने डीएमके और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। उसके बाद हमने कई चुनाव लड़े, हमने सभी उपचुनाव जीते हैं। स्पष्ट है कि पुदुचेरी के लोग हम पर भरोसा करते हैं। संकट में घिरी नारायण सामी सरकार को विश्वास मत से एक दिन पहले यानी रविवार को एक और झटका लगा था, क्योंकि सत्ताधारी कांग्रेस डीएमके गठबंधन के 2 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस विधायक के लक्ष्मी नारायण और डीएमके विधायक वेंकटेशन के इस्तीफे से विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन का संख्या बल और कम होकर 11 हो गया था, जबकि विपक्ष के पास 14 विधायक थे। 33 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी कुल 28 सदस्य हैं। इनमें 3 मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। लक्ष्मी नारायण और वेंकटेशन ने बताया कि दोनों ने अपने इस्तीफे विधानसभा स्पीकर वीपी शिव कोलंधु के घर अलग अलग जाकर सौंपे। लक्ष्मी नारायण ने पत्रकारों से कहा कि वी नारायण सामी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने बहुमत खो दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बाद में वेंकटेशन ने मीडिया से कहा कि उन्होंने सिर्फ विधायक का पद छोड़ा है और वो डीएमके पार्टी में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत धन का आवंटन नहीं हुआ। कांग्रेस के 4 विधायकों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जबकि पार्टी के एक और विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया गया था। नारायण सामी के विश्वास पात्र माने जाने वाले ए जॉन कुमार ने इसी हफ्ते इस्तीफा दिया था। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदर राजन को पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार को नारायण सामी को 22 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। 2 विधायकों ने ऐसे दिन इस्तीफा दिया जब आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की बैठक होनी थी।